हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को यानी कि डाउट्स को क्लियर करके रिप्लाई करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इस वेबसाइट का नाम है स्कूल सॉल्वर। ये एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ टीचर यानी कि ट्यूटर भी है, या आप कह सकते हैं एज अ डाउट सॉल्वर, क्योंकि जो भी बच्चों के डाउट्स होते हैं वहाँ पे वो टीचर क्लियर करते हैं, तो एज अ डाउट सॉल्वर या एज अ टीचर वहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही जेन्यून और बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं और यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं या डाउट सॉल्वर्स हैं वो उन क्वेश्चन के रिप्लाई करके अच्छे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ जो काम करने का प्रोसीजर है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बदले में अगर आपको जो आपको अगर उसका आंसर पता है, आप उसका आंसर देना चाहते हो, तो आप अपना प्रपोजल वहाँ पे डालोगे। बहुत सारे वहाँ पे टीचर्स हैं जो अपना अपना प्रपोजल डालते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास इसका आंसर है, यू कैन टेक दिस आंसर फ्रॉम मी। तो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके प्रोफाइल को देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस टीचर से किस ट्यूटर से उस क्वेश्चन का आंसर लेना है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो बहुत अच्छी पेमेंट ऑफर करते हैं। पेमेंट वो होती है, वो डॉलर में होती है, वो मे बी $1 हो सकती है, $2 हो सकती है, 10, 12, 15, वो क्वेश्चन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरह का। इजी क्वेश्चन होंगे तो कम पैसे ऑफर किए जाएंगे और अगर टफ क्वेश्चन होंगे तो उसके बहुत अच्छे पैसे ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप उसका आंसर दे देते हो, स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो इजीली पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने होमवर्क्स के लिए भी हेल्प लेते हैं और असाइनमेंट के लिए भी। असाइनमेंट के लिए बहुत अच्छे पैसे दिए जाते हैं, $15, $20 ऐसे ऑफर किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वे ऑफ टीचिंग या आप कितने अच्छे से बच्चे को समझा सकते हो, उनके डाउट्स कितने अच्छे से क्लियर कर सकते हो, इस पर डिपेंड करती है कि वो उसके लिए आपको कितना पेमेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत ही जेन्यून वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप ऑनेस्टी से और लॉयलिटी से अगर काम करोगे, जैसे कहने का मतलब कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, या सिंपल आप बुक का लैंग्वेज उठा के आप नहीं दे सकते हो, वहाँ पे खुद आपको अपनी लैंग्वेज में उसको आंसर देना होगा। और ये भी नहीं है कि अगर बच्चे का होमवर्क है या असाइनमेंट है तो आपको पूरा कंप्लीट कराना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ उसको गाइड करना है हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, बस आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करना है। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड और जेन्यून वेबसाइट है। मैंने इसकी प्रीव्यूज चेक की तो काफ़ी पॉजिटिव थे। यहाँ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और टीचर भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी पेमेंट टाइम पे हो जाती है, पेमेंट का कोई इशू नहीं होता है। तो इसके लिए आप सबसे फर्स्ट में आती है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके में क्वालिफिकेशन की कोई इशू नहीं है कि हाँ क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक एमटेक, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। बस आप के लिए ये नेसेसरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में रिप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी पड़ेगी। तो क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे होंगे तभी तो आप बच्चे को उनके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर एज अ स्टूडेंट हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप एज हाउसवाइफ हो तो भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑलरेडी कहीं जॉब में हो तो भी आप पार्ट टाइम में यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही दिए जाते हैं। तो इसमें आगे नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोसेस। तो इसको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल आपको जाके गूगल करना होगा schoolsolver.com, या सिंपल स्कूल सॉल्वर भी करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो इन्फॉर्मेशन देने होंगे, जैसे नेम हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, बस ये कुछ नॉमिनल इन्फॉर्मेशन डाले जाते हैं। तो ये करने के बाद आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो जाता है। प्रोफाइल रजिस्टर होने के बाद सिंपल आपको उस पर साइन अप करना होता है।
साइन अप करने के बाद आपके सामने एक टेस्ट का फॉर्मेट आता है, क्योंकि वो किसी भी टीचर को लेने से पहले एक उसका टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होता है और वो टेस्ट इतना टफ नहीं होता है कि आप उसमें पास आउट नहीं कर सकते हो, वो बहुत इजी होता है। उस टेस्ट के लिए आप सिंपल बुक की या सिंपल गूगल की किसी की हेल्प भी ले सकते हो, हेल्प लेके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए एक परसेंटेज डिसाइडेड होता है कि जैसे आप मैथ्स का दे रहे हो तो मैथ्स में 90% होंगे तभी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, या साइंस है साइंस में 80% या 85%। सब्जेक्ट वाइज सबका क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया को अगर आप कंप्लीट करोगे तो ही आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। इन टेस्ट के लिए वो कुछ पैसे भी नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज 100, 100 and half, 200, 300 कुछ नॉमिनल चार्ज भी लिए जाते हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं। तो टेस्ट में अगर आप उनका जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से अगर आपके परसेंटेज आते हैं तो आप उस टेस्ट में अच्छे क्वालिफाई करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसमें आती है पेमेंट की बात। पेमेंट कैसे होती है? देखिए पेमेंट यहाँ पे बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिफ्यूज थे तो उसमें टीचर्स ने कहीं भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पेमेंट नहीं मिला उन्हें, उन्हें टाइमली मिल जाता है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है, तो इसके लिए एक आपको पेपल का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेमेंट होगी वो पेपल अकाउंट के थ्रू ही होगी जिसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। बस इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करोगे वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपको वो रेटिंग देते हैं, तो उस रेटिंग के हिसाब से ही आपकी प्रोफाइल वहाँ पे सेट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट आएगा तो वो सबसे पहले टीचर्स की प्रोफाइल चेक करता है, जिसकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी वो उन्हीं से अपना आंसर लेना चाहता है। तो इसमें करियर भी आपका बहुत अच्छा है अगर आप स्टूडेंट को अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी और ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पे आप इजीली ज्वाइन करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।